तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब आनंद में होंगे और आनंद में ही रहना। तो आपने पार्ट नंबर 4 में आपने देख ही लिया, हमने महादेव जी के दर्शन किए, उसके बाद में जो प्रसादी थी गुरुजी ने बोला कि प्रसादी दे दीजिए, उसके बाद में गुरुजी रवाना हो गए और उसी पर हमने पार्ट को ख़त्म किया। ये यात्रा जो है पूरी जोधपुर निधिवन गेस्ट हाउस से कुंभलगढ़ की है, कुंभलगढ़ वैरो का मठ। तो इसके मैंने करीबन 4 पार्ट और बना रखे हैं जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो अगर आपको ये सारी वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ जाकर लिंक को क्लिक कीजिए और ये सारे पार्ट ज़रूर देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि और भी वीडियोज़ आपको मिल सके। तो पार्ट नंबर 5 शुरू करते हैं। सो बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते, हर हर महादेव। तो यहाँ पर अब महादेव जी का दर्शन करके ये भी निकल रहे हैं और बहुत काम किया है इन्होंने, बहुत सहयोग था इनका। तो फाइनली हम भी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और यहाँ पर पीछे ये बस तैयार है और वो भी उधर तैयार है, ये रवाना हो चुकी है राठौड़। हाँ, तीसरी गाड़ी रवाना हो चुकी है और अब हमारी भी रवानगी की तैयारी है। तो अब यात्रा शुरू, वापस जोधपुर की ओर जाएंगे और देखते हैं रास्ते में और क्या चलता है। महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल बम। अभी एक गाड़ी और रवाना हो चुकी, दूसरी गाड़ी और ये तीसरी गाड़ी अब रवानगी की तैयारी में है। क्या है कि वहाँ से निकले थे लेकिन यहाँ पर बीच में बहुत बड़ा मेला है, वो चल रहा है और इतनी भक्तों की भीड़ है, पता नहीं उधर हमारी पीछे वाली गाड़ी है तो रोक दी गई है, पीछे गाड़ियाँ तो रोक दी गई है। हम पता नहीं जब महादेव जी दरगाह से आगे निकले हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखो किस तरीके से मेले का खचाखच भरा हुआ है। हॉर्न बजाने पर भी साइड में नहीं होते, ये तो पीछे पलट के भी नहीं देखते हैं। तो अभी मौसम बहुत ही शानदार हो रखा है, बाहर का आपने कुछ दृश्य देखा ही है, वो एक नंबर हो गया। मतलब सुबह जो मौसम था ना वैसा वैसा अभी वापस हो चुका है। अब और अभी बज गए हैं आज के शाम के 6:45, अब 6:45 तो बज गए हैं यहीं पे। हमें जोधपुर पहुंचते पहुंचते लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे। तो अब यात्रा देखते हैं। और मेला देखा आपने, मतलब लोग हॉर्न ही नहीं सुनते, हॉर्न का मतलब क्या होता है वो भी उनको पता नहीं है। फिर गाड़ी अड़ जाए किसी के तो फिर वाह भाई, गाड़ी वाले की गलती है और तो किसी की गलती होती नहीं। बाकी ठीक है, आनंद है। चलते हैं अभी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो अभी हम देसुरु की घाटियों से निकल रहे हैं, वैसे सभी पीछे रह गए हैं। अभी उनको बोला कि पुलिस वाले ने रोक लिया, बोले कि मेला पूरा ख़त्म होगा उसके बाद में ही वहाँ से निकलने दिया जाएगा, क्योंकि गुरु जी का आदेश आया किसी का निधिवन पहुंचो तो अब निधिवन जाएंगे। और ये देखिए आप देसुरु की घाटियाँ और हल्की हल्की बारिश भी चल रही है अभी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है मई के महीने में, क्योंकि बहुत जगह आज बारिश हुई है। वैसे सुबह हमने कुंभलगढ़ में बारिश देख ली और अभी यहाँ पर भी बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका है। और यही बात है, आप बादल देख रहे हैं, इतने ज़्यादा बादल हो चुके हैं और फुल हवाएं चल रही है फुल। और हमारे जो साथी थे वो सब पीछे हैं, वो इसी रास्ते से आएंगे तो हमने सोचा कि इधर ही गाड़ी लगा के खड़े हो जाते हैं, वो आएंगे तब मालूम चल जाएगा। जो हमारे साथ में थे उनको पीछे मतलब पुलिस वालों ने शायद रोक लिया था क्योंकि आगे मेला चल रहा था ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा आपने देखी है। अब वो आ जाएंगे तो उनके साथ में फिर निकलेंगे। तो
फाइनली हम पहुंच चुके हैं जोधपुर। लगभग बज गए हैं 10:41 के बाद में। अब मैं यहां से वापस जाऊंगा निधिवन से, क्योंकि बस में जो सामान रखा था सारा वो सारा मैनेज करना है। वैसे तो सब भगत लोग होंगे, लेकिन मैं भी वहां जाऊंगा थोड़ा सा खाना वगैरह खा के फिर सीधा जाऊंगा निधिवन। तो फाइनली मैं वापस निधिवन पहुंच चुका हूं और वापस हम जाते हैं, गुरुजी से मिलते हैं, तब दिल को सुकून मिलेगा। और यहाँ पर हितेश जी कैसे ही रहा? बस पीछे रह गई थी, फिर भी हमने बहुत जल्दी कवर किया। 2 बसें अभी भी पीछे हैं हमारे। अभी भी पीछे हैं? हाँ, हम सबसे पहले आए हैं। अच्छा ऐसा, तो अभी तक 2 बसें और नहीं आई? अभी तक नहीं आई। ओहो, तो अभी 2 बसें और आनी बाकी, एक नई खबर और मिली है। और रही बात है माता जी के, ये सामान सब इधर आ गया है वापस। मैंने सोचा था कि सामान रखवाएंगे, वो बोला ना जरूरत ही नहीं है। तो फाइनली अभी गुरुजी ने बोला कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैंने रेस्ट नहीं की है, तो रेस्ट कर लो जाके, क्योंकि अभी बज चुके हैं 12:26 और यहाँ पे योगेश जी सो रहे हैं। योगेश जी मतलब बहुत ज़्यादा थक गए हैं ये भी, तब इनको गहरी नींद में है। और ये हितेश जी यहाँ पर तैयार है सोने के लिए, अब मैं भी सो जाता हूँ आज। और हाँ बता दूँ कि 2 बसें और आने वाली है, तो उसका जो भी होगा कि वो सामान वगैरह है जो भी उसमें है वो तो हम देख लेंगे। मेरे शहर बिच आए ने, शहर बिच आए ने, मेरे कोठे ते बने रे बोले खा, अज मेरे घुरा ने आना। मेरे कोठे ते बने रे बोले का, आज मेरे घुरा ने आना। रब्बा कर बदलां दी छां, आज मेरे घुरा ने आना। रब्बा कर बदलां दी छां, आज मेरे घुरा ने आना। तेरा लख लख शुक्र करा, आज मेरे घुरा ने आना। तेरा लख लख शुक्र करा, आज मेरे घुरा ने आना। रब्बा कर बदलां दी छां, आज मेरे घुरा ने आना। जदों मेरे गुरु मेरी गली बिच आए ने, गली बिच आए ने, जदों मेरे गुरु मेरी गली बिच आए ने, गली बिच आए ने, नाले चलनिया ठंडिया हवा, आज मेरे गुरा ने आना। नाले चलनिया ठंडिया हवा, आज मेरे घुरा ने आना। रब्बा कर बदलां दी छां, आज मेरे घुरा ने आना। तेरा लख लख शुक्र करा, आज मेरे घुरा ने आना। तेरा लख लख शुक्र करा, आज मेरे घुरा ने आना। रब्बा कर बदलां दी छां, आज मेरे घुरा ने आना। जदों मेरे गुरु मेरे बेड़े बिच आए ने, बेड़े बिच आए ने, जदों मेरे गुरु मेरे बेड़े बिच आए ने, बेड़े बिच आए ने,
आंदियां ही दाता मेरे भाग जगाए ने, भाग जगाए ने, आंदियां ही दाता मेरे भाग जगाए ने, भाग जगाए ने। नी मैं छम छम नचदी फिरा, आज मेरे घुरा ने आना। नी मैं छम छम नचदी फिरा, आज मेरे घुरा ने आना। रब्बा कर बदला दिशा, आज मेरे घुरा ने आना। रब्बा कर बदला दिशा, आज मेरे घुरा ने आना। आज मेरे घुरा ने आना, आज मेरे घुरा ने आना। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए आज के आनंद की जय, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, माता रानी के सच्चे दरबार नर की, बोलिए सती सरस्वती मैया की जय। ये जो श्रद्धा है गुरु महाराज जी के प्रति, ये श्रद्धा ही आपको परमात्मा के चरणों में जोड़ देगी। वैसे आप जुड़े ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप नहीं जुड़े हैं, लेकिन जो सच्ची श्रद्धा होती है बंदे की, जब मन में हमारे जिज्ञासा हो जाती है ना, तो वो दिन बहुत ही बड़भागी होता है। जिस दिन हमारी तीव्र इच्छा होती है, जैसे अपने परसों देखा कि भयंकर गर्मी पड़ी थी तो कल महाधार बारिश हुई, ऐसी जब हमारी तीव्र इच्छा होती है बंदे की, तो परमात्मा अत्यंत कृपा करते हैं। अत्यंत गुरु महाराज जी के चरणों के प्रति जिसकी भी आस्था है वो उत्तरोत्तर बढ़ती जाए, ऐसी मेरी गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। हाँ, लाइब्रेरी के बीच में बैठे होते अच्छे लगते हैं। लाइब्रेरी के बीच में बैठे इतनी सारी बुक्स पाइया तेरे दर तो मैं नेमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। फाइनली अब हो चुका है नेक्स्ट डे। महाराज जी ने बहुत अच्छा गीत गाकर सुनाया, और रही बात है अब गुरु जी ने हम सबको काम पे लगाया, क्योंकि जो भी सामान था वो अब वापस व्यवस्थित रूप से कर देते हैं सेट, और कुछ सामान अभी बहुत सामान बचा है जो डिस्पोजल ग्लासेस वगैरह होती है तो वापस रिटर्न करनी है, और कुछ सामान हम रिटर्न करके आए हैं, तो अभी थोड़ी सी व्यवस्था है, इस गुरु जी के आदेश के अनुसार पूरी कर देंगे, और फिर देखो। लेकिन वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूँगा। सो बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्ते, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।